नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वासु पटेल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक कीबोर्ड का मीडी कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं। ये नेक्टर कंपनी का है। चलो इसको मैं पास से दिखाता हूं। मैं इसका अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा फटा हुआ है, तो डाउटफुल रहता है कि इसका सामान कुछ ना निकाला गया हो या कुछ, और इस वजह से इसका अनबॉक्सिंग करना जरूरी है। कैमरा के सामने कभी भी आप किसी प्रोडक्ट को मंगवाते हैं तो कैमरा के पास इसका अनबॉक्सिंग जरूर करें ताकि आपको पता चले इसके अंदर कोई खराबी है या नहीं, क्योंकि अगर आप बाद में क्लेम करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ओपन करते हैं, इसमें कोई चीज आपको नहीं मिला कैमरा में, अगर आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि इसमें ये चीज नहीं था जो वहां पे दिखाया गया था, जो इंक्लूड था। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बारिश में आया इस वजह से थोड़ा सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखते हुए इसमें पॉलीथीन बहुत ज्यादा लगा दिया गया है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कीबोर्ड हमारा आता है। मिडी कीबोर्ड है, मिडी कीबोर्ड कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। बाकी अभी तो फिलहाल इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कीबोर्ड के लिए। मुझे पैकेज खोलना नहीं आता है, मैं डायरेक्ट ऐसे खोलता हूँ। कोई भी पैकेज होता है तो मैं प्यार से खोल नहीं पाता, इसको ओपन नहीं कर पाता इस वजह से, क्योंकि मैं जल्दबाजी में जल्दी जल्दी इसको ओपन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है बिना स्किप के पूरा बने, पूरा ओपन होने तक। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके इसको ओपन करने का प्रयास करूंगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा ना बन पाए इस वजह से। तो देखते हैं इसका क्या मामला है, किस प्रकार से ये है, और कोई चीज इसमें नहीं रहेगा तो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप कैमरा के सामने इसको अनबॉक्सिंग किए रहेंगे तो। ठीक है, तो मेरे अनबॉक्सिंग करने के ऊपर मत जाना। ये लोग एकदम प्यार से इसको काट के निकालते हैं, वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो को हमको जल्दी से खत्म भी करना है, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। स्किप करके बनाऊंगा तो हो सकता है गलत हो जाए वीडियो। तो चलिए देखते हैं। ये अमेज़न से आया हुआ है, इसका प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। ओपन करते हैं अभी इसको। मेरे पास अभी इसको काटने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऐसी कैसे कैसे इसको खोलते हैं मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में। देखता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। टेप वगैरह लगा हुआ है। नेक्टर का है, आप सभी को दिख रहा होगा इसका जो लोगो है नेक्टर का, वो आप सबको दिख रहा होगा। ये इस प्रकार से ओपन होगा। कैसे ओपन होगा? ऐसे ओपन होता है दोस्तों, ये ऐसे। और फर्स्ट लुक में देख के बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। आप सभी को मैं दिखा दूं इस तरह से, देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट लुक इस प्रकार से है जो कि काफी सुंदर लग रहा है। और हमारा जो मिडी कीबोर्ड है वो है अंदर में, और इसके साथ एक केबल आता है। और मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि सारा जो सामान है वो अच्छा से आया होगा, क्योंकि अमेज़न का जो डिलीवरी का जो सर्विस है बहुत अच्छा है। तो देख सकते हो आप, ये हमारा मिडी कीबोर्ड है, नेक्टर की तरफ से आने वाला मिडी कीबोर्ड। ये देख सकते हो कितना काफी शानदार लग रहा है और सुंदर लग रहा है, देख सकते हो आप लोग एकदम जानदार शानदार लुक के साथ। XPS 10 जो आता है रोलेंड का कीबोर्ड, उस प्रकार से इसका जो लुकिंग है जो कि काफी सुंदर लग रहा है। इसके साथ हमको मिला है एक मिडी केबल, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ, तो इसको मैं आपको और दिखाऊंगा एक बार अच्छे से। तो हमारा जो कीबोर्ड है वो अच्छे से आया है। आज की वीडियो को यहीं प्रिंट करते हैं, मैं प्रिंट करके और आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि किस प्रकार से इसको फिट करके हम प्ले करते हैं।